रामनगरी में मनाया जा रहा है अन्नकूट महोत्सव। राम जन्मभूमि में भी विराजमान भगवान को लगाया गया 56 व्यंजनों का भोग। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने अपने मंदिर से 56 व्यंजन बनवाकर लगाया रामलला को 56 व्यंजनों का भोग। रामनगरी के मंदिरों में आज मनाया जा रहा है अन्नकूट महोत्सव। अनेक प्रकार की पकवान का भगवान को लगाया जाता है भोग। अन्नकूट को प्रसाद श्रद्धालु में किया जाता है वितरित। धार्मिक मान्यता है कि भगवान राम की लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर दीपावली के अगले दिन मनाया गया था अन्नकूट महोत्सव। नगरवासियों ने विविध प्रकार की व्यंजन बनाकर भगवान को किया था समर्पित। तभी से अयोध्या वासी मानते हैं अन्नकूट महोत्सव। दूर दराज से श्रद्धालु अन्नकूट का प्रसाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं अयोध्या। माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने कंदमूल फल खाए थे, जिसके बाद अयोध्या लौटने पर उन्हें 56 भोग खिलाया गया था। राम लंका दिग्विजय के बाद श्री अयोध्या जी आए, जो आगमन हुआ श्री सीताराम जी के, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर, राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कही सब कोई। सभी लोग जय जयकार करते हुए आ रहे थे, हर्षोल्लासित होकर के आ रहे थे। लंका दिग्विजय, एक महा अजय संसार रिपु पर विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम आए। उनका एक अद्वितीय गरिमा महिमा समग्र देवी देवताओं ने मंडित किया, जन जन ने मंडित किया। और श्री अवध में आने के बाद घर घर से आरतियां सजाई गई और भगवान श्री राम का दिग्विजय महामहोत्सव मनाने के स्वरूप में जो आरतियां की गई, वही दीपावली के रूप में पूरा जगत मनाता है। और दीपावली के दिन तो आरती हर्षोल्लासित एक दूसरे को आरती देने और लेने और आरती करने में ही बीत गया। उस दिन भगवान से कोई निवेदन नहीं कर पाया कि 14 वर्ष के वनवास काल में केवल आप कंद मूल फल खाए, अन्य और सामग्रियां मिली या नहीं, इसकी किसी को कोई चिंता नहीं थी। लेकिन सभी लोग 56 भोग 3600 व्यंजन भक्तों ने अपनी भावनाओं के अनुरूप सामग्री और विविध व्यंजन बनाकर भगवान को जो भोग लगाए, उसी को हम लोग अन्नकूट के रूप में 56 भोग 3600 व्यंजन के रूप में मनाते हैं। और वो आज महामहोत्सव है, जो भगवान की आरती का दर्शन आप लोगों ने किया, 56 भोग 3600 व्यंजन और समग्र सामग्रियों के साथ में भगवान की आरती उस समय की गई, वो अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है। वो प्रत्येक मंदिरों में प्रत्येक भक्तों के जो हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हुए विभिन्न सामग्रियां जो बनाई जाती हैं, उसी की आरती की गई, ये अन्नकूट। अब शनि की कोई चीज़ ऐसी होती जो परंपरा से होती है, तो ये परंपरा है, प्राचीन काल की परंपरा है। हाँ, जैसा कि हमारे शास्त्रों में है, हमारे ऋषि महर्षियों की वाणी में है और जनों के बीच में है, सबसे माध्यम से है। ये व्यवहार की दृष्टि में है तो व्यवहारिक है, आध्यात्मिक है, राजनैतिक न होकर के आध्यात्मिक है, ठीक है न। तो यह परंपरा है कि भगवान श्री राम जब लंका विजय करके आए अयोध्या में, तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में पहले दीप उत्सव मनाया। और दीप उत्सव के बाद सब लोगों ने सोचा कि हमारे प्रभु 14 वर्ष तक वन में रहे और इनके खान पान रहन सहन की कोई बात नहीं रही, तो इसलिए इनको इतना भोजन बना करके जो प्रसन्नता है, खाएंगे क्या, वो तो प्रसन्नता इस प्रकार से आई कि 56 प्रकार के भोग बना करके और अर्पित किया गया। और वहाँ यह होता है, उसके बाद में विशेषकर जब भगवान 56 प्रकार के गोवर्धन उठाए थे भगवान कृष्ण, तो गोवर्धन को भोग पहले इंद्र का लगता था, इंद्र की दिया जाता था 56 प्रकार के। फिर जब भगवान उनको रोक दिए कृष्ण जी ने, तब उनको उन्होंने वर्षा किया तो वहाँ प्रलय मच गया एकदम। और उन्होंने वही गोवर्धन की पूजा, यह 56 प्रकार के
भोग लगा करके किए थे, इसलिए गोवर्धन पूजा भी कहते हैं इसको। अन्नकूट है, गोवर्धन पूजा है, चाहे जिस प्रकार से हो, ये भगवान के लिए अर्पित ये 56 प्रकार के भोग होते हैं, उनको अर्पण करके और इसको प्रसाद के रूप में सबके दिया जाता है। और ये आज से नहीं, पुरानी परंपरा है, उसी परंपरा को हम लोग पालन करते हैं। अन्नकूट की पूजा है, अन्नकूट की माने भगवान, जो जो मंदिर हैं सभी मंदिरों में इस प्रकार के हो रहा है।